ये क्या बात हुई? हनीमून हमारे और मना सब लोग रहे, बस हम दोनों को छोड़ के। तुम्हारी मम्मी को यही टाइम मिला था क्या मन्नत मानने के लिए? अभिषेक, मन्नत उन्होंने हमारे लिए मानी है और अब तो अन्ना की भी हो गई है। पूरी फैमिली आ रही है, मजा आएगा। मजा किरकिरा हो जाएगा, पिकनिक हो जाएगी, तुम देख लेना। प्राइवेसी इतनी सी भी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? पापा ने कहा है कि हम दोनों रिजॉर्ट में रहेंगे और वो लोग धर्मशाला में, और हमारी गाड़ी भी अलग होगी। वो लाख तसल्ली दे, लेकिन तुम देख लेना, वो हमारे बीच आएंगे ही आएंगे। तो 12 घंटे आएंगे ना? बाकी के 12 घंटे तो हमारे होंगे। आपका भी जवाब नहीं। अरे जवाब तो ऊपर वाले का नहीं है निर्मिती। मैंने कल रात को भगवान से प्रार्थना की थी कि महाबलेश्वर जाने की पैकिंग तो हो गई है सबकी, और अब सब चले भी जाएंगे तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा ना पैकिंग करने के लिए। तो कुछ तो जुगाड़ लगा दे भगवान। लेकिन वहीनी, आप डांस किस खुशी में कर रही है? क्योंकि अन्ना किसी अजीब वजह से महाबलेश्वर की बजाय सासूबाई को द्वारका लेके जाने वाले, जहाँ अभिषेक और गायत्री हनीमून पे जा रहे हैं। क्या? हाँ, इसीलिए तो खुशी के मारे झूम रही हूँ मैं। मुझे फिर से एक मौका मिल गया पैकिंग करने के लिए, मेरी तो चांदी है चांदी। बाई बाई। तारा 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 बाई बाई। अन्ना तो गुजरात के नाम से ही चिढ़ जाते हैं, तो फिर आई को द्वारका क्यों लेके जा रहे, वो भी अभिषेक और गायत्री के साथ? ये मामला तो बहुत पेचीदा लगता है। एक आई आहा। प्रभाकर दादा, मुझे एक बात बताइए, आपको पता है चांद पे सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पे ना, नील आर्मस्ट्रांग। वाह, और दूसरा कदम? वो तो पता नहीं। कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था? ये अपना हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन नहीं प्रभाकर दादा, टेंजिंग और हिलेरी। वो हिलेरी नाम की वजह से गड़बड़ हो गई, अब याद आ गया, टेंजिंग और एडमिंड हिलेरी। अब ये बताइए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला दूसरा शख्स कौन था? तू दूसरे नंबर पे कौन था वाले सवाल क्यों पूछ रहा है आज अचानक? क्योंकि मैं आपको दूसरे नंबर पे नहीं देखना चाहता प्रभाकर दादा। मतलब ये कि दुनिया सिर्फ उसी को याद रखती है जो पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे आने वाले को दुनिया कभी याद नहीं रखती। अब सुनिए, कल जब हमारे पुणे का इतिहास लिखा जाएगा सुवर्ण अक्षरों में, और उसमें जब लिखा जाएगा कि सन 2020 में गोखले बंधु ने अचानक विश्व प्रसिद्ध प्रगति की, तो उसमें योगदान था उनके सुपुत्र केशव गोखले का, और उनके साथ उनका एक दूसरा भाई भी था यानी कि आप, लेकिन आपका नाम किसी को नहीं पता होगा। लेकिन तेरा मुद्दा क्या है केशव? बहुत सिंपल है प्रभाकर दादा। अब सोचिए कि अगर मैं कल अन्ना के साथ गुजरात चला गया तो सोचिए ये पूरे गोखले बंधु आप संभाल रहे होंगे, इसकी प्रगति का श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। अरे इतिहास में तेंजिंग शेरपा, एडमंड हिलरी और नील एम्स्ट्रांग के बाद सिर्फ आपका नाम लिया जाएगा। ऐसा मुझे क्या है? तो आप अन्ना से बात करेंगे ना कि मुझे भी उनके साथ गुजरात ले जाए? जरूर बात करूंगा केशव, इतिहास मैं आ रहा हूं अपना नाम दर्ज करवाने। मेरे फोन करने की एक ही वजह है और वो वजह आपके पास है, लेकिन अब उसे लौटाने का समय आ गया है। मुझे मेरा बखूड़ा चाहिए ना सर। इसीलिए मैं सच ही कहता हूं कि हमारे घर में ये मेरा राम है। मैं सबके बारे में इसीलिए सोच पाता हूं क्योंकि मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी जरूरत महसूस होने से पहले ही आपने उसे पूरी कर दी। घर में जो सबसे छोटा होता है उसे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। आ,
हाँ ना अभिषेक, आजा आजा बैठ। अन्ना क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ मैं शांत ही हूँ। आपकी ये शांति मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। आपने अचानक द्वारका आने का क्यों सोचा? क्या कहना क्या चाहता है तू अभिषेक? हमारे अन्ना तुझे तेरे हनीमून पे डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं। अरे तेरी सास ने जो मन्नत मांगी है ना। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हाँ तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ ना। तू रह लेना बड़ी सी रिसोर्ट में, स्विमिंग पूल वाली। हम लोग छोटी सी धर्मशाला में रह लेंगे। अमल को भी ले लेते साथ में। हाँ ये मस्त है, मैं भी चलूंगा साथ में। और मैंने तो पूरी प्लानिंग भी कर ली है मालूम। लेकिन अमल दादा इसमें कहाँ से आए? अच्छा है, अगर ये लोग भी आएंगे तो ये लोग आपस में उलझे रहेंगे और मैं चुपचाप रसीला से मिलके मसले का हल ढूंढ लूंगा। ठीक है अमोल, तू आना बाड़ा, साथ में तू आना। बस केशव तू भी आना द्वारका बीर का। बर प्रभाकर को यहाँ रहने देते है, वो कभी सीखेगा दुकान संभालने को। हाँ उसे भी है ना जिम्मेदारी का एहसास। ये मेरा अभिषेक अकेला बेचारा कब तक सब जिम्मेदारी संभालेगा? वही तो। अरे बाप रे, पूरी पलटन आएगी अब तो। हाँ हेलो अन्ना साहब, रसीद। देखो तुम है ना आ, 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 आ। इधर सिंगल नहीं आ रहा है तो महोदय सिंगल का हमारे यहाँ ना आजकल। लेकिन मेरे मोबाइल में सिग्नल है। सिग्नल तो है पर अन्ना नहीं चाहते कि वो सिग्नल हम तक पहुंचे। हेलो रसीला। अन्ना साहब मैं द्वारका आ रही हूँ, आप वहाँ कहाँ ठहरने वाले हैं? और आपने मुझे मेरे बकुड़े का नाम तक नहीं बताया। देखो रसीला अभी अभी है ना वो सब अभी हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो 25 साल पुरानी बात है। तो उस बात को लेकर अभी तुम उस बात को लेकर आप क्या आप मेरे धैर्य को मेरी कमजोरी मत समझिए अन्ना साहब। एक बात याद रखिए, अगर मैं मेरे बकुड़े की जान बचाने के लिए उसे अपने से दूर कर सकती हूँ तो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? वो बात मेरे परिवार वालों को बताकर मेरे परिवार की शांति को तहस नहस करना चाहती हो तुम? मैं बस अपना हक मांगने द्वारका आ रही हूँ। हम लोग द्वारका जा ही नहीं रहे है। हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है, यहाँ महादेव पेट भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है आपकी नियत में खोट आ गई है अन्ना साहब, इसीलिए ये लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। ठीक है तो अब मैं महादेव पेट आ रही हूँ, ये खेल अब मैं वही खत्म करूंगी। आपसे रूबरू होकर आपके परिवार वालों के सामने ये बता दूंगी कि आपके बेटों में से एक बेटा आपका ज्योत्सना भीम का नहीं है, वो बेटा मेरा है। ये रसीला कौन हो सकती है? 25 साल पहले का क्या चक्कर हो सकता है और इसका द्वारका से क्या कनेक्शन हो सकता है? अब तो पता करना ही होगा। राज तो कुछ ज्यादा ही गहरा नजर आता है अन्ना का, और अब मुझे द्वारिका में एंट्री मिली गई। पता तो मैं करके रहूंगा कि मामला क्या है, बस उसके बाद अन्ना की चोटी होगी मेरे हाथ में। कहीं राज रसीला ने सबको बता दिया तो? नहीं नहीं ये राज मैं खुलने नहीं दूंगा। अभिषेक मेरा बेटा है और मैं किसी को भी उसे मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगा। कल सुबह मैं अपने मर्द मुझारे पकुड़े से मिलूंगी।
आओ काम आओ। अरे चल आओ, काय चलता है, चल चल। अभी ये हड़ू 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 सॉरी। हां आओ, संभालिए ना खुद को। अरे कैसे संभालूं, कैसे संभालूं भारती। इंसान दुख में किसी तरह संभल जाता है, लेकिन खुशी में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। भैया दो कुल्फी दीजिए ना। ठीक है। मुंह के साथ साथ आज कलेजा भी ठंडा हो जाएगा। बराबर है भारती। कल सुबह तक अन्ना और केशव चले जाएंगे, और कल सुबह का सूरज मेरे लिए इस दुकान की चाबी लेकर आएगा। कल से ये पूरी दुकान मैं संभालूंगा, तू भी अकेले। बराबर है। और मैं घर संभालूंगी, क्योंकि सासू भाई और गायत्री भी जा रही है ना उनके साथ। सबसे पहले सुबह में किसे पूछूं कि खाने में क्या बनाऊं? तू ये सोच, तब तक मैं ये सोचता हूँ कि कल से मैं ये दुकान कैसे चलाऊंगा। बराबर। सबसे पहले तो मैं अन्ना की तरह मस्त चाल चलते हुए आऊंगा, फिर अपनी जेब में हाथ डाल के मैं दुकान की चाबी निकालूंगा, और उस चाबी से अपनी दुकान का ताला खोलूंगा। अच्छा है, वरना किसी और के दुकान का ताला खोलेंगे और पुलिस आपको पकड़ के थाने ले गई और बर्फ की सीली पे लेटा कर ऐसे ऊपर से दंडे बरसाए तो। शुभ शुभ बोलो भारती। बराबर। वरना किसी दूसरे की दुकान का ताला खोला और पुलिस आपको पकड़ के थाने ले गई और ऐसे उल्टा लटका के ऊपर से दंडे बरसाए तो। ये शुभ शुभ कैसे हुआ? अगवे अभी किसी दूसरे की दुकान का ताला खोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। लेकिन दूसरे की दुकान का ताला अपने दुकान के ताले की चाबी से कैसे खुलेगा? अगवे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भारती। हाँ? कल सुबह मैं दुकान उतने ही प्यार से खोलूंगा जितने प्यार से मैंने तुम्हारा घूंघट उठाया था। संभाल के, संभाल के। चलो चलो महेंद्र भाव, उर्मिला बहन, जल्दी चलो। अरे ज्योत्सना, गायत्री, मित्र सब लोग पहुंच गए काफी। उर्मिला बहन का है, चलो बस छूट जाएगी हमारी। अरे उर्मिला बस स्टैंड पहुंच गई है, ड्राइवर की सीट पे डेरा डाल के बैठी होगी, कहीं नहीं जाने वाली हमारी बस। लेकिन अच्छी वाली सीट हाथ से निकल जाएगी ना महेंद्र भाऊ। ए केशव, हम लोग थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से ट्रैवल नहीं कर रहे, हमारी लग्जरी सीट नंबर के साथ बुक्ड है। भगवान करे वो रसीला उधर अभिषेक से मिलने आए ही नहीं। अन्ना जरूर उस औरत के बारे में ही सोच रहे होंगे। कौन हो सकती है वो औरत? कहीं ज्योत्सना भाभी की सौतन तो नहीं होगी? बस एक बार ये रास पता चल जाए, फिर अन्ना को मैं मेरा जिन बना के जो हुकुम मेरे आका, ऐसा बुलवाऊंगा मैं। एक मिनट, मेरा फोन बज गया। एक मिनट। हेलो हेलो अन्ना, प्रभाकर बोल रहा हूँ। हाँ प्रभाकर, बारा बोल बारा। अन्ना मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी मैंने तुझे जो सिखाया तुझे बरोबर से याद है ना बारा? मुझे एक बार बोल के बता ताकि मुझे राहत हो जाए कि मेरी अनुपस्थिति में तू दुकान बरोबर से संभालेगा करके। 5 बजे उठूंगा, पूजा पाठ करूंगा, ना धोके। हाँ ना धोके। उसके बाद भाकरवाड़ी बनवाऊंगा, 8:30 बजे दुकान खोलूंगा, दिया जला के अगरबत्ती भी करूंगा, और अगर किसी ग्राहक ने अजीब से सवाल पूछे तो उसको टेढ़ा जवाब भी दूंगा। शाबाश। और अगर बाथरूम जाना हो तो ग्राहक से कहूंगा रुकिए मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ। लेकिन सुन, तो बाथरूम जाके आने के बाद ना हाथ बरोबर से साबुन से धोना, और दोनों हाथ ना ऐसे 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 करके अच्छे से धोना, और पानी का नल का बाद में बंद करना है। वो पानी क्या है, बर्बाद नहीं होना चाहिए ना बाड़ा। जी हाँ हाँ। ओ अन्ना भाई, अरे प्रभाकर को दिख रहा है क्या आप ऐसे हाथ मल मल के धोना ऐसा बोल रहे हैं? एक काम कीजिए, नाना धोना दातुन कैसे करना वो भी सिखा दीजिए। अरे आप ही बोल रहे थे कि देर हो रही है, और अभी तो सारी दिनचर्या उसको सिखाने बैठ गया इतने बड़े ढांडे बेटे को। चलो चलो अभी चल। अच्छा प्रभाकर बड़ा, वो भारतीय नाश्ते का पूछे ना तो जवाब मत देना। तारी भरी तो है, दुकान पे तो ताला है। वो ताला अभी मैं खोलने वाला हूँ। बोलिए क्या क्या चाहिए आपको? लंबो डगलो मुझो वाकड़ी शिरे पागड़ी राती, मैंने जना उन्होंने पाला, मर्द बुचाला गुजराती,
वही मर्द मुझाला गुजराती। प्लीज मेरे बच्चे को अपनाओ और उसे जिंदगी दे दो। प्रभाकर मारो दिक्करो, मारो बालक, मारो दिक्करो, मारो बालक, मारो पकुड़ो, मारो पकुड़ो। ये आप क्या कह रही हैं? तुम अन्ना साहब के बेटे हो ना? जी। 1995 में तुम पुणे सिविल हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, तब मैं... नहीं 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 दीदी, मेरा जन्म तो कोल्हापुर में हुआ था 1980 में। हाय हाय, लगता है मैंने लोचा मारा, ये मेरा बेटा नहीं है। अब ठीक तो है ना? हाँ हूँ। हाँ वो अन्ना साहब कहाँ मिलेंगे? वो तो अभी अभी द्वारका की बस पकड़ने के लिए रवाना हो गए। अच्छा द्वारका? मतलब बिना बताए भाग गए अन्ना साहब। 9:11 AM अब तो द्वारका के द्वारकाधीश की सौगंध, मेरा बेटा वापस लेके ही रहूंगी। हूँ हम जी। अहो अरे भारती, आपने तो एकदम अन्ना की तरह बोलना शुरू किया। आओ, आओ, बैठो बैठो, ये पैर मुझे दो। अगो भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? पैर तो मैं दबाने वाली थी आज आपके, सारा दिन दुकान में खड़े थे ना आप। अरे तुमने भी तो इतनी मेहनत की है, और अन्ना की अनुपस्थिति में मैं अन्ना की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी तो आई के पाँव दबाते हैं। लाओ अगो भाई, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे। अरे ये खुश का इशारा ऐसे कैसे? वो मेरी एक सहेली है ना, उसकी देवर का नाम खुश है, खुश शाह, वो बॉडी बिल्डर है। वैसे आपको अच्छा लगा ना शादी में हम दोनों को दूल्हा दुल्हन बनाया? लेकिन वो तो अभिषेक और गायत्री का प्लान था, लेकिन सबसे बड़ी और अजीब बात तो यह है कि अन्ना ने उसके लिए सहमति दे दी। वो अन्ना मुझे अचानक आजकल बदले बदले से लग रहे हैं, अचानक इतना प्यार। उनको हुआ होगा एहसास कि उन्होंने पहले आपको कम प्यार दिया तो अब दे रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा। भारती पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे और अन्ना के बीच एक बांध बनी हुई है जिसमें से अन्ना का प्यार धीरे धीरे लीकेज हो रहा है, लेकिन कल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बांध टूट गई है और अन्ना का प्यार ऐसे धड़ल्ले से मुझ पे आ रहा है और मैं बाहर जा रहा हूं, सपने जैसा लग रहा है और डर भी लग रहा है कि कहीं वो टूट ना जाए। ऐसे कैसे? आपको पहली बार अन्ना ने दुकान संभालने दी है और आप अच्छे से संभाल भी रहे हैं, आपको साबित करना होगा कि आप भी उनके राम बन सकते हैं। और तुम मेरी सीता। आगो भाई। अन्ना ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाकर अनुशासन पालन करने का जो दायित्व सौंपा है, परंतु मेरी भाषा यहाँ कोई समझता ही नहीं है। कल प्रातः होते ही मैं सरल शब्दों में अनुवाद करके सबको समझा दूंगा। चल मंदरबाड़ा, तू भी सो जा। बाय 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 बाय। आरती, हमें सोडा पीने जाना है, भूल गई क्या? जाइए जाइए, जल्दी जाइए, वरना कहीं छोटे अन्ना वापस आ गए और बड़े अन्ना को संस्कृत में उल्टी सुल्टी कंप्लेन कर दी तो वो बीच रास्ते से ही वापस आ जाएंगे। हाँ जाइए जल्दी जाइए। बरबर, लेकिन निर्मिति, हाँ मेरी पैकिंग। और नहीं, आप सोडा पीने जा रही है ना, उसमें भी पैकिंग करनी है आपको। टीका लो। बरबर।
हे द्वारकाधीश, बस जैसे तैसे आज की रात गुजर जाए, कल आपके दर्शन करके 25 साल बाद मुझे मेरा बेटा अन्ना गोखले से वापस मिलेगा।